नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मूंगफली की जो हार्वेस्टिंग हो रही है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये मशीन कितने की है, कितने रुपए बीघे में ये खुदाई हो रही है, तो और कितने दिन की ये फसल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख रहे हो इस समय किसान भाइयों मूँगफली डिगर जिससे इसको ये खोदा जा रहा है, और इसकी जो खुदाई हो रही है किसान दोस्तों, ये करीब 3 महीने की फसल है। अभी ये 3 महीने पर इसकी खुदाई करना शुरू कर दिया इन्होंने, और अभी अगर पूरी तरह अच्छी तरह इसको पकाना होता है तो वो 4 महीने की फसल होती है, लेकिन धान की रुपाई से पहले इसको ये खोद रहे हैं। और ये आप देख सकते हो मूंगफली काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है एक पौधे पे, लेकिन इसका थोड़ा फुलाव कम दिख रहा है, लेकिन ये देसी मूंगफली है जो आप देख पा रहे हो और काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों इसकी पैदावार लगभग लोग बताते हैं मूंगफली की पैदावार 1 क्विंटल से लेके 3.5-4 क्विंटल तक की हो जाती है, वो अपने ऊपर है करने के ऊपर। और इस समय जो आप देख रहे हो इनके हाथ में एक पौधा है और आप इस पे मूंगफली देख सकते हो। देखिए दोस्तों ये देसी मूंगफली है, काफ़ी अच्छी मूंगफली लग रही है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये रख दी है, और कल इसको ये इकट्ठा करवा के इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, यानी इसको निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों इसको ये सुखाएंगे नहीं, डायरेक्ट हरी इसकी जो हरा पौधा है इसी के साथ इसको निकाल लेंगे, बाद में ये सुखा भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सुखाने पर ज़्यादा फिर क्या होता है, लकड़ी ज़्यादा आती है, इस वजह से ये सुखाएंगे नहीं, डायरेक्ट हरे पौधे से ही निकालेंगे। तो अब दोस्तों इसको देख रहे हो, अभी चलते हैं मशीन के पास, देखेंगे मशीन इसकी कैसी है। आगे किसान भाइयों 2 ताई लगे हुए हैं, पीछे 2 टायर हैं इसमें। और इस मशीन की लगभग अगर किसान भाइयों कीमत की बात करें तो ये 1 से 1.25 लाख रुपये की आ रही है। और वैसे आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, कि पीछे भी इसमें लगा हुआ है और दोनों तरफ इसमें टायर लगे हुए हैं। और ये काफ़ी तेज़ चलती है हार्वेस्टिंग करने के लिए, जो आलू की जो मशीन होती है दोस्तों उनसे काफ़ी फास्ट ये खोदती है। और ये देखिए पास में जाके दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हो, और बीच में आलू की मशीन में चैन होती है सादा, इसमें दांते लगे हुए हैं जिससे ये पेड़ों को जो उखाड़ रही है मशीन अंदर से, उसको ये पीछे फेंकती है इन दांते की वजह से। और पीछे इसमें आप देख रहे हो ये बीच में इकट्ठा करके रखती जा रही है, तो ये आसान तरीके से इसकी खुदाई कर रही है जो कि आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों आपने कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैंने मूंगफली की जो गड़ाई की वीडियो डाली थी जब इसकी गड़ाई हो रही थी, और वो मशीन भी अलग थी उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसकी खुदाई की भी दिखाना आप, तो मैं आपके लिए खुदाई की दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो यार इसे लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि ये मेहनत करते हैं हम आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और ये देखिए दोस्तों आपके लिए मैं ट्रैक्टर पर बैठ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अब दिखा रहा हूँ आपके लिए ट्रैक्टर पर बैठ के कि ये कैसे फेंक रही है पीछे की साइड। अभी आपको पूरी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे, और ये कितने रुपये बीघे में इसकी खुदाई हो रही है, और ये मशीन आपको कहाँ मिल सकती है, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों आसानी से अब इसको ये घुमा रहे हैं, क्योंकि इतनी इन्होंने उखाड़ रखी है, और मैं बिल्कुल ट्रैक्टर पर ही बैठा हुआ हूँ जो कि आप देख पा रहे हो अच्छी तरह। अगर दोस्तों इस मशीन की बात करें तो ये मिलती जुलती आलू के जो डिगर है ना उसी से मिलती है, और इसमें देखो दांते होते हैं जो कि आप देख रहे हो कि मूंगफली को उखाड़ के पीछे फेंकती है, और आलू वाली प्लेन होती है, बस इतना अंतर है। और थोड़ा बहुत तो फेरबदल होता ही है जैसे कि आप जानते हो, और जो कि आप देख पा रहे हो ये काफ़ी स्पीड से खोद रही है। आलू हम काफ़ी धीमे धीमे खोदते हैं, लेकिन इसको आप काफ़ी तेज़ भी चला सकते हो, और इसकी जो खोदने की कीमत है ना वो ये 500 रुपये बीघे के हिसाब से खुदाई ले रहे हैं। हो सकता है ये दूर से आने की वजह से या कम यहाँ पे क्षेत्रफल है इसकी वजह से ये ज़्यादा ले रहे हों, और अगर कहीं पे 300 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में मान लीजिए इसकी जो खुदाई है 300 से 500 रुपये बीघे के हिसाब से खुदाई चल रही है। अगर दोस्तों अगर आप बीघा के बारे में नहीं समझ पा रहे हो तो मैं चलिए एकड़ के बारे में बता देता हूँ। एकड़ मान लीजिए 2500 रुपये एकड़ इनसे लिया है, और आप चाहो तो अपने हिसाब से कितना भी दे सकते हो, क्योंकि ये इन्होंने मशीन कम से कम 25 से 26 किलोमीटर दूर से मंगाई है, शायद उसका भी चार्ज लगा के इन्होंने 2500 रुपये एकड़ के हिसाब से इनसे मांगा है, और यहाँ पे क्षेत्रफल भी काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में किसान काफ़ी ज़्यादा इसके लिए भी जागरूक होते जा रहे हैं, क्योंकि आलू के कुछ किसान जो आलू करते हैं आलू के बाद वो और फसल करते थे, लेकिन अब वो मूँगफली भी करने लग गए हैं। और अगर इसके उत्पादन की बात करें दोस्तों, मैंने जानकारी ली है कि इन्होंने तो बताया था कि इसका उत्पादन लगभग 2 क्विंटल के आसपास ही आएगा, और अगर इसके मेन उत्पादन की बात करें तो 1 क्विंटल से लेके और ये 3.5 क्विंटल उत्पादन इसका हो जाता है बताया गया है। लेकिन इस समय इनकी जो मूंगफली है इसका उत्पादन इन्होंने 2 से 2.25 क्विंटल के आसपास ही बताया, ज़्यादा नहीं बताया,
और आप देख पा रही हो काफ़ी इसका जो टायर है ना वो वहीं पे है लाइन में, और दूसरी साइड है ना वहाँ से ये काटते हुए उखाड़ती चली जाती है। मैंने बिल्कुल आपको हर स्टेप और हर जानकारी या जहाँ से मशीन चल रही है पूरी जानकारी दी है, और ज़्यादातर आपने वीडियो देखी होगी लोग केवल हवाई फायर दिखाते हैं, मैं आपको बिल्कुल गहराइयों तक की वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके लिए डीपली नॉलेज होता है किसी के बारे में। और दोस्तों मूंगफली की टोटल आपके लिए जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि इसके बारे में भी वीडियो डालते रहें तो हम बिल्कुल डालेंगे। और वैसे दोस्तों हमने सभी फसल के लिए दूसरा चैनल खोल रखा है, उस पर तो आपके लिए पूरी जानकारी मिलेगी, उस पर हर स्टेप की जानकारी मिलेगी, कितना इसमें खाद लगता है, कब बुवाई होती है, कैसे क्या करना होता है, सारी जानकारी उस पर हम देते रहेंगे। और आने वाले टाइम में हम मूँगफली के जो अच्छे किसान हैं उनसे भी आपकी बात कराएँगे और उनकी भी वीडियो बनाएंगे जिससे आपके लिए नॉलेज हो जाए कि वो अभी तक इससे कितना फ़ायदा ले पा रहे हैं, ये फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, सारी कुछ जानकारी आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको मैं काफ़ी देखो चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, मशीन के आगे पीछे और ट्रैक्टर पर बैठ के सब जगह से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारे किसान भाई पूरी तरह इसकी जानकारी ले लें। और ये देखिए इसमें मूँगफली भी दिखाई है मैंने साथ में कैसी निकल रही है, और अब हो सकता है तो आप अगर चाह रहे हो तो इसकी कैसे निकलती है ये भी मैं आपके लिए दिखा दूंगा, इसको निकालने वाली मशीन कैसी होती है, अगर इसके बारे में भी आपकी नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हाँ उसकी भी वीडियो आपके लिए चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, थैंक यू।